कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा पानी आपको बताने वाली हूं जिससे आपको इसी महीने कंसीव हो सकता है, क्योंकि मेरी जो बाबी हैं उन्हें 3 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। उन्हें किसी से ये पता लगा कि लौंग के पानी से प्रेगनेंसी रुक सकती है, तो उन्हें सिर्फ 1 महीने में गर्भधारण हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। अगर आप दिल से विश्वास करके इस पानी को पीते हो तो ये पानी आपको बहुत जल्दी गर्भधारण करने में मदद करता है, क्योंकि ये मैंने खुद से देखा है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ लौंग के पानी की। लौंग आप सब जानते हैं, इंग्लिश में लौंग को क्लोव्स बोलते हैं। ये लौंग गर्म तसीर का होता है, लेकिन ये लौंग ही आपको प्रेग्नेंट बना सकता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, साइंस बोल रही है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं लौंग के कितने बेनिफिट हैं, लौंग आपको कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है। इसके इतने ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आप गूगल पर इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि इससे प्रेगनेंसी कैसे हो सकती है। आपको सारी जानकारी जो है वो गूगल पर मिल जाएगी। इस पर बहुत सी रिसर्च हुई है जिससे ये साबित हुआ है कि लौंग आपको बहुत जल्दी गर्भधारण करने में मदद कर सकता है। महिलाओं की नहीं, सिर्फ पुरुषों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप बहुत से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके थक चुके हों और प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो एक बार लौंग का पानी ज़रूर पिए। दोस्तों, क्या पता यही एक लौंग आपको प्रेग्नेंट होने में मदद कर दे। दोस्तों, ये लौंग का पानी फर्टिलिटी बूस्टर की तरह से जाना जाता है, फर्टिलिटी बूस्टर के नाम से जाना जाता है। इतनी एबिलिटी इसमें होती है कि ये मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी को ट्रीट करता है। ये लौंग अगर आपका ओवुलेशन टाइम पर नहीं आता है, ओवुलेशन अगर नहीं हो रहा है, पीरियड प्रॉब्लम अगर आपको है, पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है। आइए जानते हैं लौंग आपको प्रेग्नेंट होने में कैसे मदद कर सकता है, क्या कहती है इसके बारे में साइंस, कैसे ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि लौंग महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। ये लौंग का पानी है, इस पर रिसर्च हुई है और ये प्रूफ हो गया है कि ये ओवुलेशन को बूस्ट करता है और महिलाओं को कंसीव करने में मदद करता है, क्योंकि लौंग LH हार्मोन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है ओवरीज को कि वो एग को रिलीज करे ओवुलेशन के टाइम पर। अब सबसे बड़ा सवाल जो महिलाओं के दिमाग में होता है, क्या इसे ओवुलेशन के समय पी सकते हैं? तो रुकिए, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि इसको कब पीना है, कब से स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, किस समय पीना है, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए ये आपके मेल पार्टनर के लिए और आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, कैसे आप इससे कंसीव कर सकती हैं। अगर आपके पार्टनर के स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी कम है तो आपके पार्टनर को भी डेली ये लौंग का पानी लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है, सीमिन जिसमें स्पर्म होता है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है। इसलिए अपने हस्बैंड को भी ये पानी ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी रिसर्च हुई हैं जिससे ये साबित हुआ है जिन भी मेल पार्टनर ने ये लौंग का पानी लिया था उनकी जो टाइमिंग है बेड में वो इंक्रीज़ हुई है। और क्योंकि आपके हस्बैंड में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप माँ नहीं बन पा रही हैं, ये लौंग का पानी टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करता है ब्लड में, जिससे आपके पार्टनर की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दोस्तों, लौंग गर्म होने के साथ इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलती है, स्पर्म रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं या फिर महिलाओं की छोटी से मोटी जो इन्फेक्शंस होती हैं जिसके कारण भी उन्हें कंसीव नहीं हो रहा होता है, तो अगर आप लौंग का पानी लेंगे तो आप छोटी से जो बड़ी इन्फेक्शन है उससे क्योर कर लेंगे। आपके मेल पार्टनर में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है, अगर अर्ली इजैकुलेशन हो रहा है, बेड में टाइमिंग कम है, और अगर महिलाओं में पीरियड्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, खुल के नहीं आ रहे हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, थायराइड की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ऐसे में आपको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लौंग का पानी बहुत ही कारगर है, ये सब इशू को सॉल्व करके जल्दी गर्भधारण करने में मदद करता है। अब इस लौंग के पानी को आपको कैसे बनाना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 2 लौंग आपको डाल देने हैं और सुबह तक आपको इंतजार करना है। सुबह जब आप उठेंगे तो देखेंगे ये लौंग फूले से होंगे और जो पानी होगा वो भी येलो कलर का हो जाएगा, पीला सा पड़ जाएगा, उसे आपको उस पानी को सुबह खाली पेट पी लेना है, लेकिन जो लौंग हैं उन्हें हटा देना है, उन्हें निकाल देना है, उन लौंग्स को आपको नहीं खाना है। और ये पानी आपको लेना कब से शुरू करना है, आपको ये पानी आपको पीरियड के पहले दिन से लेकर ओवुलेशन तक लेना है। जिनकी शॉर्ट पीरियड साइकिल है और जल्दी ओवुलेशन हो जाता है तो वो जल्दी बंद कर दें, बस आपको ओवुलेशन डे तक ही लेना है, उसके बाद नहीं लेना है। जैसे मान लो आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका जो ओवुलेशन है 14 डे होता है, तो आपको जिस दिन पीरियड आए उस दिन से लेकर आपको पीरियड के 14 दिन तक आपको ये पानी लेना है। जिनकी पीरियड साइकिल 30 दिन की होती है उनका ओवुलेशन 16 डे
पे होता है, तो आपको फर्स्ट डे से लेकर 16 डे तक आपको ये पानी पीना है। और जिनकी पीरियड साइकिल 32 दिन की होती है उनका ओवुलेशन 18 डे में हो जाता है, तो उनको पहले दिन से लेकर 18 डे तक ये पानी पी लेना है। तो आपको सिर्फ ओवुलेशन डे तक ये लोगों का पानी लेना है और फिर बंद कर देना है, और खाली पेट रोज़ाना लेना है ओवुलेशन तक। और तो और ये लोगों का पानी आपकी थायराइड, PCOS, PCOD की जो भी प्रॉब्लम है उसको क्योर करता है, पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू है ये उसको भी क्योर करता है, जिससे आपको जल्दी गर्भधारण हो जाता है। और इसे वेट लॉस ड्रिंक भी कहा जाता है। अगर आप मोटे हैं जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं हो रहा, वेट को लॉस करके आपको प्रेग्नेंट होने में भी मदद करता है, और आप इसे बोल सकते हैं ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। और पुरुषों को ये लोंग कैसे लेना है, तो देखिए अगर आपके मेल पार्टनर को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो लोंग को दूध में उबाल करके पीना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी फीमेल पार्टनर को जल्दी प्रेग्नेंट कर पाएंगे, क्योंकि लोंग पुरुषों की हर स्पर्म से जुड़ी हर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को क्योर करता है। और महिलाओं को चाहिए इस लोंग के पानी के साथ साथ, मेरी वीडियो है इसे भी आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत से ऐसे टिप्स बताए हैं जिससे मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर को गर्भधारण हुआ है। आप ये कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, रिलेशन ओवुलेशन भी जरूर रखने हैं। पहला तो आपको ओवुलेशन के बाद हेयर वॉश नहीं करना है, मैंने कई वीडियोज में बताया है। दूसरा आपको आपने जो रिलेशन मेंटेन करने हैं वो ओवुलेशन में तो करने ही हैं, बाकी के दिनों में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन डे में कंपलसरी है। ओवुलेशन डे के 4 से 5 दिन पहले से आपको रिलेशन मेंटेन करना शुरू कर देना है, चाहे जो भी हो जाए, और ओवुलेशन के एक दिन बाद भी आपको रिलेशन मेंटेन जरूर करना है। फिर रिलेशन मेंटेन करते समय अपनी कमर के नीचे पिल्लो जरूर रखें, और रिलेशन रखने के तुरंत बाद अपनी टांगों को ऊपर की तरफ कर लें। लेग अप दी वॉल पोजीशन में आप अपने पार्टनर की हेल्प लेकर अपनी टांगों को ऊपर कर सकते हैं। शुरुआत में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन आपको ऐसा करना होगा अगर आपने गर्भधारण करना है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप दीवार या फिर टेबल की हेल्प से भी टांगों को ऊपर करके रख सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहां पर भी ब्लड जो सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही में जो स्पर्म अंदर जाएंगे वो काफी तेजी से आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे और वहां पर एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे। और आपको अगर आप ओवुलेशन में ऐसा करते हैं तो 15 से 20 मिनट में आपको गर्भधारण अंदर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी, और उसके बाद जो आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया है, इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिलती है, क्योंकि स्पर्म तेजी से अंदर की तरफ जाते हैं और एग को फर्टिलाइज कर देते हैं अगर आप लेग अप दी वॉल पोजीशन में ऐसे रहते हैं। और साथ ही में जिन महिलाओं की ये प्रॉब्लम होती है कि रिलेशन के तुरंत बाद सब कुछ बाहर आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें गर्भधारण नहीं होता है, तो ऐसा करने से रिलेशन के तुरंत बाद अगर सब कुछ बाहर भी आ जाता है तो भी आपको कंसीव हो जाएगा, क्योंकि आपने लेग अप दी वॉल पोजीशन ट्राई की है जिससे जो स्पर्म तेजी से अंदर जाकर फैलोपियन ट्यूब में चले जाएंगे जिन्होंने एग को फर्टिलाइज करना होगा। तो दोस्तों इन टिप्स को एक बार जरूर फॉलो करें। इस लोंग के पानी को पीकर मेरी भाभी को 3 साल के बाद प्रेगनेंसी रुकी है, इसलिए मेरे को इतना विश्वास है इस लोंग के पानी में, इसलिए आप भी जरूर ट्राई करें। ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसका कोई नुकसान होगा, कब कौन सी ट्रिक काम कर जाए ये आपको भी नहीं पता होता है, इसलिए ट्राई जरूर करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।